बिग बैंक्स और एजेंट्स के थ्रू जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कमीशन भी इन्वॉल्व होता है, बट ग्रो पे नो कमीशन। जब इन्वेस्ट करना हो तो डाउनलोड ग्रो। चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस पूरी दुनिया को संक्रमित कर चुका है। विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां कोरोना वायरस से लोग संक्रमित ना हुए हों। दुनिया के 205 देश इस खतरनाक वायरस की चपेट में हैं और 14,50,000 से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 83,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर इसी तरह वायरस का प्रकोप बढ़ता रहा तो बहुत जल्द मरने वालों का आंकड़ा 1,00,000 के पार हो जाएगा। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वायरस कितना खतरनाक है। हालांकि डॉक्टरों ने 3,00,000 से ज्यादा लोगों को वायरस से ठीक भी किया है। इस वायरस की शुरुआत यूं तो चीन से हुई थी, लेकिन अब वायरस का प्रकोप सबसे ज्यादा अमेरिका और यूरोपीय देशों में है। अमेरिका में 4,00,000 से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 12,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका में वायरस का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका के अलावा स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी में भी वायरस तेजी से फैलता जा रहा है और हर रोज यहां सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। हालांकि चीन का दावा है कि उसने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है और कोविड-19 के नए मामलों की संख्या में भारी कमी आई है। यही वजह है कि वहां के सबसे प्रभावित शहर वुहान में यातायात व्यवस्था फिर से पूरी तरह से बहाल कर दी गई है। वुहान में ही कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी कोरोना वायरस तेजी से पांव फैला रहा है और लगभग सभी देशों ने कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन कर रखा है ताकि वायरस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। साथ ही सभी देश मेडिकल सुविधाओं को युद्ध स्तर पर बढ़ाने में जुटी हैं।